तो ये तो दोबारा से अभी अब ये दोबारा तैयार हुआ है ना बरसाना। ये जब औरंगजेब ने तोड़ दिया तो गुलामी की जंजीरी थी हमारे। अब आप बताइए, पेट भरना मुश्किल था उस समय, धर्म बचा करके महल कौन बनाता? उस जमाने में हमारे बुजुर्गों ने ये बताते हैं, भूषा नहीं होता, उसमें छुपा के रखा 10-20-50 साल मंदिर को ही, मंदिर को ही। ये अवशेष जो यहाँ पड़े, ये जो बचाता है इसको, हाँ, भूषा छुपा के इसको, भूषा के अंदर छुपा, भूषा के अंदर छुपा दिया था, चारों तरफ से भूषे के ढेर। पहले बहुत बड़ा महल था ये, उसके बड़े बड़े वो जो होते हैं ऐसे लगा लगा करके, पता ही नहीं लगा उनको। अच्छा अच्छा, सब तोड़ दिया है, 1800 मंदिर तोड़े। पहले तो पूरा ये बरसाना महल ही होता होगा यहाँ का। वो जो सभ्यता आपने देखी होगी, इमेजिन करिए आंख बंद करके कि आपने टीवियों में डॉक्यूमेंट्रियों में जो देखा है वही रूप था यहाँ। वो जमाने से वही सभ्यताएं चली आई, 5000 वर्ष पुरानी है ना वो सभ्यता, 5000 वर्ष तो वो सभ्यता इन्हीं की थी, उस जमाने की सभ्यता थी वो, द्वापर युग की। यानी युग तो समाप्त हो गया, वो शेष जो शेष थे वो तब तक रहे, 5000 वर्ष पहले वो फिर लुप्त हो गए, फिर लुप्त हो गए। वो सभ्यता ही चली गई, कहाँ चली गई? कोई महामारी आई, कोई ऐसा प्रकोप हुआ, तब चले गए। देखिए वृंदावन था, टोटली तुलसी का वन था, और कुछ नहीं। सारी लीला बरसाना में हुई, वृंदावन में केवल रास हुआ, महाराज समझ रहे हैं। जब बंसीवट पर बंसी बजाई काना ने, ले ले गोपीन को नाम, हर गोपी को ये लग रहा था कन्हैया मेरे नाम से बजा रहा है। 16108 गोपियों के समूहों में हर गोपी को लगा, बंसी की धुन तो वही थी लेकिन सबको ये लगा कि मेरे नाम से है, दौड़ी चली गई। सिर्फ महाराज की, अच्छा माँ सिर्फ महाराज की याद है, माँ ये नहीं। बांके बिहारी का प्राकट्य तो हरदास जी ने किया है, अभी 550 बरस बन था तुलसी का। अच्छा नहीं, जैसे श्री कृष्ण भगवान पहले गए हुए थे उनके यहाँ पर, राधे माँ पे वृंदावन जो गए थे गोकुल से, ये वृंदावन है जहाँ आप खड़े हैं, ये राजधानी है वृंदावन की, पूरे वृंदावन ब्रज को बोलते हैं, जिसमें बरसाना आज का गोवर्धन नंदगाम वृंदावन गोकुल और दाऊजी, मथुरा नहीं है उसमें। अच्छा मथुरा नहीं आता है, मथुरा ब्रज का भाग नहीं है। अच्छा, मथुरा कंस का राज था। अच्छा मथुरा कंस का राज था, ये सब राधा जी और कृष्ण जी का है। नंद बाबा को इन्होंने बसाया, वो महल इन्होंने निर्माण कराया था, इन्होंने ही 9 लाख गाय दी, क्योंकि वो ग्वाले थे ये राजा से, ये पालक थे वो चारक थे, गौ चराने वाला। बहुत बढ़िया भैया, बहुत सुंदर, वो है ना हर चीज की जानकारी। जब मैं जानकारी नहीं देखी आपके संतों के, हम करीब बैठते धर्म में थोड़ा विवेक, धर्म में थोड़ा विवेक अवश्य होना चाहिए, वो तो है। संसार की कड़ियों को जोड़ते हैं ना, नहीं तो धर्म की आड़ में भी पाप होता है, बिल्कुल, और होता ही, पता ही नहीं लग पाता। अगर उसको हम जोड़ लेंगे तो शायद हमसे धोखा नहीं होगा, बताने में भी धोखा नहीं होगा, आप जोड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये तो सुना ही है कि ब्रज के राजा हैं वृषभान, और वृषभान की पुत्री है, अब आप भाग्यशाली हैं, माता कीर्ति हैं। ब्रज में जो भी घुसा सेल्फी ले लेंगे लोग, दर्शन कर लेंगे, अच्छा खा लेंगे, लस्सियाँ पी लेंगे, पेड़े ले जाएंगे, और घरों से चलते हैं, चलो कई महीने हो गए घूम आए ब्रज में, घूमना नहीं यात्रा तो है मूल जगह। अच्छा आप वैष्णो देवी जाइए, ठीक है, नहीं भैरव मंदिर ये वो सब गौरीकुंड हो आइए, अगर आपने दर्शन नहीं किए गुफा के तो बेकार है। ऐसे ही है ब्रज, यहाँ जब तक हाजिरी नहीं समझो ब्रज यात्रा सफल नहीं, क्योंकि आप इनकी इच्छा से इनकी भूमि में प्रवेश करते हैं। राधा किसकी पुत्री है? इनकी, और जो इनको प्रणाम नहीं करता तो राधा को कैसा लगेगा? कहते हैं 3 तरह के भक्त होते हैं, मैंने तो आज ही पता लगा कि माता कीर्ति थी, अभी देखा चलते हैं।